हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य टॉपिक से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह महाराष्ट्र के प्रमुख लोक कला शैली है। अब यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ के दो प्रमुख लोक नृत्य भी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लावणी और तमाशा। ये दोनों ही रिलेटेड हैं महाराष्ट्र से ही। अब यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रदीप नंद्राजोग। साथ ही अभी हाल ही में जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है महाराष्ट्र ही। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो यह है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली। बात की जाए यदि पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। और अभी हाल ही में जो कोलकाता है, यानी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? TBN राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडाना लोक नृत्य, यानी कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यह रिलेटेड है राजस्थान से। और राजस्थान से ही रिलेटेड है कुछ लोक नृत्य जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, जैसे कि कठपुतली, अग्नि, घूमर और गौरी। ये सारी ही लोक नृत्य रिलेटेड है राजस्थान से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यह रिलेटेड है बिहार से। और बिहार से ही रिलेटेड एक मोस्ट पॉपुलर पकवान है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? लिट्टी चोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो यह लोक कला है उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन ए। और उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड एक लोक नृत्य है, इसका नाम क्या है? नौटंकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ यह स्थित है गोमती नदी के किनारे। साथ ही यह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट है, पुष्पों को क्रम से लगाने की, यानी कि सीक्वेंस से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है इकेबाना। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इकेबाना जापानी कला है, तो अभी मैंने बताया यह है फूलों की व्यवस्था की। नेक्स्ट है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 राजधानियों की घोषणा को मंजूरी दे दी है। ये 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। जो विशाखापट्टनम है, यह होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल यह होगी ज्यूडिशियल कैपिटल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, फुलकारी लोक कला यह कहाँ प्रचलित है? तो यह प्रचलित है हरियाणा में। और बात की जाए यदि हरियाणा की, तो हाल ही में यहाँ के दोबारा से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो यह प्रचलित है गुजरात में। बात की जाए यदि गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर यह किसका निर्वाचन क्षेत्र है? यह निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह जी का, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया है तमाशा और लावणी, ये दोनों ही रिलेटेड है महाराष्ट्र से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत यह कौन सा है? लोकगीत पूछा जा रहा है, यह है कजरी, जो कि रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गायन यह कहाँ प्रचलित है? तो यह प्रचलित है बंगाल में। नेक्स्ट है,
पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह है छत्तीसगढ़ की। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडवानी यह किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है तीजन बाई से। इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कब कब सम्मानित किया गया है? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1987 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में, और पद्म विभूषण से पिछले ही साल यानी कि 2019 में सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह लोक नृत्य शैली है जम्मू कश्मीर की, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। साथ ही यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जीसी मुर्मू, यह बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। साथ ही जम्मू कश्मीर में ही स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदल कर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो यह है असम से रिलेटेड यानी कि ऑप्शन बी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया था और यह गुवाहाटी में ही संपन्न हुआ, और जिसमें कि टॉप किसने किया था? टॉप किया महाराष्ट्र ने, दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह रिलेटेड है पंजाब से, और गोल्डन टेम्पल यह भी स्थित है अमृतसर पंजाब में ही। नेक्स्ट है, पनिहारी लोक नृत्य यह कहाँ प्रचलित है? तो यह प्रचलित है गुजरात में यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यक्षगान नामक लोक नृत्य इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह रिलेटेड है कर्नाटक से। बात की जाए यदि कर्नाटक की तो राजधानी क्या है? बैंगलोर। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंगलोर यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम से। असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? सर्वानंद सोनवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घंटा मर्दाला यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, चेरोकान यह कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो यह लोक नृत्य कला शैली है मिजोरम की। बात की जाए यदि मिजोरम की तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थंगा। और अभी हाल ही में यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। साथ ही भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? धर्म गार्डियन, जिसका आयोजन किया गया था मिजोरम के ही वैरेंगटे में। नेक्स्ट है, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है मणिपुर से। और मणिपुर में अभी हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया था, क्योंकि फेस्टिवल से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फेस्टिवल का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुमी नागा लोक नृत्य यह किस राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है नागालैंड में। अब नागालैंड यह भी करंट से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ भी एक फेस्टिवल मनाया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्यौहार या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य जिसका नाम है लंबाडी यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह भी रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से ही। नेक्स्ट है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये प्रमुख लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जात्रा और कीर्तन ये दोनों ही रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से ही। नेक्स्ट है, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो आप सभी जानते हैं गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों ही रिलेटेड है पंजाब से। नेक्स्ट है, जटा जटिन यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है बिहार का। नेक्स्ट है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। नेक्स्ट है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मैंने पहले भी बताया है तमाशा और लावनी ये दोनों ही रिलेटेड है महाराष्ट्र से ही। नेक्स्ट है, छऊ यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह रिलेटेड है झारखंड से। और अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है,
बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? यह पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है जो कि रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से ही। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, छपेली, दांगी और थाली, ये सभी लोक नृत्य रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से ही। नेक्स्ट है 13 ताली लोक नृत्य, यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है राजस्थान से ही। साथ ही घूमर, भवाई नृत्य, यह भी रिलेटेड है राजस्थान से ही। नेक्स्ट है डांडिया, यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह नृत्य है गुजरात का। नेक्स्ट है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। साथ ही पंडवानी लोक नृत्य, इसका भी संबंध है छत्तीसगढ़ से ही। नेक्स्ट है लोक नृत्य विसाख बिहू, यह किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहू का एक फॉर्म है ये जो कि प्रसिद्ध है असम राज्य में। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है घूमर। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ओटन तुल्लन। और यदि सिर्फ कथकली पूछा जाए तो ये किस राज्य में प्रचलित है? यह प्रचलित है केरल में। नेक्स्ट है झारखंड का एक पाइका, यह क्या है? तो पाइका आप सभी जानते हैं एक लोक नृत्य है। साथ ही छऊ, छऊ और पाइका ये दोनों ही रिलेटेड है झारखंड से ही। नेक्स्ट है सुआ नृत्य, यह किस जनजाति से संबंधित है? यह संबंधित है बैगा जनजाति से। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है, इसका नाम क्या है? भीलों का प्रसिद्ध है, इसका नाम है गवरी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका नाम है यक्षगान, जो कि रिलेटेड है कर्नाटक से ही। फिर नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुसादी। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है? महिला प्रधान पूछा जा रहा है, पहले हमने डिस्कस किया था पुरुष प्रधान, और ये है गिद्धा, और इसका संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमें मैच करना है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मिस टाइप है, यहाँ पर होगा घूमर। तो देखिए कोरकू महाराष्ट्र सही है, थाली हिमाचल प्रदेश यह भी सही है, मुकना मणिपुर ये भी सही है। तो क्या गलत है? घूमर हरियाणा, क्योंकि घूमर ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान में। इस क्वेश्चन में भी सही जोड़ियाँ बनानी है राज्य और उसके लोक नृत्यों की। तो बाउल पश्चिम बंगाल, कजरी उत्तर प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र, कौन सा सुमेलित नहीं है? घूमर हरियाणा। नेक्स्ट है तांडव नृत्य संबंधित है, तो यह रिलेटेड है वीर और रौद्र रस से, क्योंकि आप सभी जानते हैं रस के कितने भेद होते हैं? 10। दसवां कौन सा है? वात्सल्य रस। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तांडव नृत्य की, और भगवान शंकर ये तांडव कब करते थे? जब उन्हें क्रोध आता था, यानी कि क्रोध को एक्सप्रेस करते थे वो तांडव से, इसलिए वीर और रौद्र रस यह संबंधित है तांडव नृत्य से ही। नेक्स्ट है बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो यह आदिवासी नृत्य है कुकी एवं नागाओं का। नेक्स्ट है तीजन बाई, यह किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया है यह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, जो कि पंडवानी लोक गायन शैली से संबंधित है। इस क्वेश्चन में भी सही जोड़ियां मिलानी है जो कि लोक नृत्य और राज्यों से रिलेटेड है। तो देखिए नौटंकी, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, डांडिया गुजरात से, भांगड़ा पंजाब से। तो क्या गलत है इसमें? बिहू आंध्र प्रदेश, क्योंकि बिहू इसका संबंध है असम राज्य से। नेक्स्ट है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है मुड़िया जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है गरबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो यह है मेघालय का बंबू नृत्य। नेक्स्ट है इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो यह है फूलों की सजावट का। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बताया यह प्रसिद्ध है मेघालय में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो क्या है? यक्षगान। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है,
तो इसका राइट आंसर है कथकली। यह लोक नृत्य नहीं है तो क्या है? यह एक पारंपरिक नृत्य है जो कि कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में। छपेली लोक नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है डांडिया। तो ये सारे लोक नृत्य और उनसे रिलेटेड राज्य आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।